वेल हेलो गाइस, एपिसोड की शुरुआत में हम लोग यून को देखते हैं जो कि एक पब में जा रहा है। जब वो पब में पहुंचता है तभी वहां पर हान से सुंग के और वहां पे लिसा साथ में उसके असिस्टेंट को भी देखता है। तब वो उसके पास जाता है जिसपे हान से उसे बताता है कि वो सियोन के गम को भुला नहीं पा रहा है, इसलिए वो यहाँ पे पब में आया है। जिसके बाद यून उसे एंजॉय करने के लिए कहता है और वो पब के दूसरे रूम में चला जाता है जहाँ पे पहले से ही यूरी बैठी होती है। तब यूरी यून को बताती है कि वो उससे बहुत जरूरी बात करना चाहती है और इसके लिए उसे बाहर चलना होगा। के बाद यून यूरी के पीछे पीछे बाहर चला जाता है। अब बाहर जाने के बाद ही यूरी यून को बताती है कि उसे एक आदमी को ढूंढना होगा। अगर वो आज जाते उस आदमी को ढूंढ लेता है तो वो बदले में जीन का पता यून को बताएगी। तब यून उसके ऊपर भरोसा नहीं करता है, लेकिन यूरी उसे कहती है कि उसके पास सिर्फ और सिर्फ यही एक ऑप्शन है, जिसके बाद यून को ना चाहते हुए भी उसे मानना पड़ता है। तभी यूरी का बॉडी गार्ड यून से उसका मोबाइल ले लेता है, जिसके बाद यूरी और यून एक दूसरे के साथ कार में बैठ के कहीं जाने लगते हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि यूरी के हाथ में एक फोटो है जो कि एक लड़के का है, जिसके बाद कहानी थोड़ी सी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पे जब यूरी अपने मॉम डैड के साथ एक छोटे से घर में रहती थी, वहाँ पे एक नया लड़का आता है जिसका नाम होता है ग्वांग। ग्वांग वहाँ पर रेंट में रहने के लिए आया हुआ होता है। तभी यूरी जब उसे देखती है तो उसे देखती ही रह जाती है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पे यूरी के अनुसार यून एक फैक्ट्री के सामने जाके कार को रोकता है। इसके बाद यूरी उसे फैक्ट्री के अंदर जाके चेक करने के लिए कहता है कि वहाँ पे कौन है। तब यून अंदर जाता है, जब वो चेक करता है तब वहाँ पे कोई भी नहीं होता है, लेकिन वहाँ पे काफी सारे शराब की बोतलें होती है और साथ में वहाँ पर काफी सारे कूड़े कचरे मिलते हैं जिसमें अजीब सा कागज होता है। तभी यून को लगता है कि बाहर कोई है, इसलिए वो दौड़ते हुए जाता है, लेकिन वहाँ पर यूरी होती है। जिसके बाद यून यूरी को एक कागज देता है जो कि एक बिल होता है। तब यूरी उसे इसी जगह पर चलने के लिए कहती है, जिसके बाद वे सभी कार में बैठ के उसी जगह पर पहुँचते हैं जो कि एक बार्बर का दुकान होता है। और तभी यून उसके अंदर जाता है और वो कुर्सी पर बैठ जाता है, जिसके बाद वहाँ का बार्बर उसे जब सेविंग करने आता है तभी वो उससे ग्वांग के बारे में पूछता है। तब वो बार्बर कहता है कि अगर वो बोलता रहेगा तो उसे गाल गलती से कट सकती है। यूरी उसे कहती है कि अगर उसने ग्वांग के बारे में नहीं बताया तो उसे जान से मार दो। अब यह सुनने के बाद यून उसे काफी बुरी तरह से पीटने लगता है। तभी वो आदमी कहता है कि वो ग्वांग के बारे में कुछ भी नहीं बताएगा। तभी यूरी उसके गर्दन में पैर रख देती है और वह कहती है कि अगर तुम ग्वांग के बारे में कुछ नहीं बताओगे तो तुम जिंदा नहीं रह सकते हो। जिसके बाद यून उसी आदमी का मोबाइल निकालता है और वो उसमें रखा हुआ नंबर चेक करने लगता है। वही दूसरी तरफ हम लोग हानसे को देखते हैं जो कि एक लड़की के साथ डांस करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसके साथ एडजस्ट नहीं कर पाता है। और यह देखने के बाद सुंगे लिसा और उसके असिस्टेंट को काफी बुरी तरह से हालत खराब होती है कि वह एक लड़की के साथ डांस भी नहीं कर सकता। अब इधर यून और यूरी कार में बैठे हुए हैं जहाँ पे वह मोबाइल के नंबर के अनुसार जाने लगते हैं। तभी कहानी थोड़ी सी फिर से फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पे यूरी पूरी तरह से कॉलेज जाने के लेट हो रही होती है। तभी वहाँ पे ग्वांग आता है और वो उसे कहता है कि अगर वह लेट है तो वो साइकिल से उसे ड्रॉप कर देगा, जिसके बाद वे दोनों साइकिल पर बैठते हैं और वे लोग कॉलेज की ओर जाने लगते हैं। तभी यूरी ग्वांग से पूछती कि तुम मेडिकल की पढ़ाई करते हो, अगर मुझे कुछ हुआ तो तुम क्या मेरी इलाज करोगे, जिस पे ग्वांग कहता है कि वो हमेशा रेडी है। जिसके बाद ग्वांग साइकिल के स्पीड करता है, तब यूरी उसे कस के पकड़ लेती है, जिसके बाद वे लोग कॉलेज पहुंचते हैं। तब ग्वांग उसे वहां पे ड्रॉप करके चला जाता है, जिसके बाद वहां पे यूरी की एक फ्रेंड चली आती है। तभी कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है, यूरी वहां से एक रूम में चली जाती है। इधर यह बूढ़ी औरत यून को एक कार्ड देती है जहां पे वो कहती है कि ग्वांग तुम्हें इसी पत्ते पे मिलेगा। अब यून यह कार्ड लेने के बाद यूरी को खोजते हुए उस रूम में जाता है जहाँ पे हम लोग देखते हैं तो यूरी काफी सुंदर सी ड्रेस पहनी हुई है और वो वहाँ पे अपना मेकअप कर रही है। अब कहानी फिर से पास्ट में जाती है जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यूरी एक दुकान में गई हुई कपड़े खरीदने के लिए। तभी वहाँ पर ग्वांग भी अपने फ्रेंड के साथ आता है, जिसके बाद वहाँ पे यूरी की फ्रेंड ग्वांग को देखने लगती है। जिसके बाद जब बाहर में यूरी और ग्वांग घर पे जाने लगते हैं तब ग्वांग यूरी से उसके फ्रेंड के बारे में पूछता है। तब यूरी काफी जेलियस फील करती है, जिसके बाद वो वहां से चली जाती है। तभी ग्वांग उसके पीछे जाता है और वो उसके पास बैठ जाता है। तब यूरी उसे बताती है कि वो उसके बारे में ना पूछे क्योंकि उसे काफी जलन होती है।
तब अचानक से गुआंग यूरी को किस कर देता है, जिसके बाद गुआंग वहां से चला जाता है। तब यूरी को इधर काफी अच्छा लगता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां पे यूरी पूरी तरह से सज धज के जाने लगती है। तभी उसके पीछे यून जाने लगता है। दूसरी तरफ हम लोग सुनगे को देखते हैं, जो कि पॉप में बैठी हुई है और वो काफी बोर हो जाती है, इसलिए वो बाथरूम में चली जाती है। लेकिन जब वो वहां पे हाथ धो रही होती है, तभी उसकी नजर एक लड़की पे पड़ती है जो कि हाथ धो रही थी और उसके हाथों में खून होता है। लेकिन सुनके इसे इग्नोर कर देती है और वहां से चली जाती है। तभी हम लोग देखते हैं कि बाथरूम में एक लड़की की लाश है। दूसरी तरफ हम लोग यून को देखते हैं, जो कि कार से एक छोटे से पॉप में पहुंचता है, जिसके बाद वो वेटर के पास जाकर यून के बारे में पूछता है। तब वेटर कुछ भी नहीं बोलता है, जिस पे यूरी उसे कहती है कि अगर वो नहीं बोलेगी तो उसे जान से मार दिया जाएगा। तब वेटर उसे एक ऑफर देता है कि अगर वो गुआंग का पता बताएगा तो यून को किसी आदमी को ढूंढना पड़ेगा। तब यूरी मना कर देती है, लेकिन गुआंग इसके लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद वह वेटर यून को एक कागज देता है जिसपे वह गुआंग का एड्रेस होता है। अब कहानी फिर से पास्ट में जाती है, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जब यूरी का बर्थडे होता है, तब वो रात भर बैठ के वहाँ पर गुआंग का इंतजार करती है और वहाँ पर उसके मॉम डैड भी बैठे हुए हैं। लेकिन बाद में जब गुआंग घर पे आता है, तभी वहाँ पे वह देखता है कि उसकी मॉम बेहोश पड़ी हुई है और उनके हाथ से काफी खून बह रहा है। जिसके बाद जब वो जाके चेक करता है, तभी वहाँ पर यूरी होती है, जो कि वैम्पायर की तरह उन्हें काट चुकी होती है। तभी गुआंग उसके पास जाके उसे रोकने की कोशिश करता है, जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि गुआंग अगले दिन एक लेडीज का पीछा करता है, जिसके बाद अचानक से उस लेडीज के ऊपर वो हमला करता है और उसे यूरी के पास लेके आता है। लेकिन वो वहाँ पे काफी जोर से रो रहा होता है और वह रोते हुए ही उस लेडी को जान से मार देता है और उसके शरीर से सभी खून को निकाल के यूरी को पीने के लिए देता है। और ऐसे करते करते एक साल बीत चुका है, जहाँ पे गुआंग को इंसानों को मारने में काफी मजा आने लगता है। अब गुआंग एक दिन जब खून को निकालने के बाद यूरी के पास जाता है, तब यूरी वहाँ से गायब होती है, जिसके बाद गुआंग डर जाता है और उसे ढूंढने लगता है। तभी उसकी नजर रोड पे पड़ती है, जहाँ पे गुआंग एक आदमी को वैम्पायर की दांतों से काट रही होती है। तब वो उसके पास जाकर उसे रोकता है, जिसपे यूरी उसे बताती है कि वो एक साल से एक ही रूम में कैद होकर थक गई है और उसे भी दुनिया में घूमना है। जिसके बाद गुआंग अगले ही दिन एक बहुत बड़ी कंपनी को शिफ्ट करता है, जहाँ पे वो उस कंपनी को खरीद लेता है और वहाँ पे काफी सारे ब्लड की मात्रा को रख देता है। तब यूरी यह देखकर काफी खुश होती है। तब यूरी उसे शादी करने के लिए कहती है, लेकिन गुआंग मना कर देता है कि वो एक वैम्पायर है। और यह सुनने के बाद यूरी को काफी गुस्सा आता है और वो चिल्लाने लगती है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पे हम लोग यून और यूरी को देखते हैं, जो कि एक बिल्डिंग में पहुँचते हैं। जब वे दोनों बिल्डिंग के अंदर जाते हैं, तभी वहाँ पे गुआंग के मॉम और डैड चले आते हैं और उसे अंदर जाने के लिए रोकते हैं। तभी यूरी उसे कहती है कि आप लोगों से मिले हुए बहुत साल हो गए। तभी गुआंग के डैड उसे कहते हैं कि वो अब अंदर नहीं जा सकती, उसे यहाँ से लौट जाना चाहिए। तब यूरी कहती है कि अगर उसे गुआंग से नहीं मिलने दिया गया तो वो उन दोनों को मार देगी। तब गुआंग के डैड कहते हैं कि वे इससे भी नहीं डरते। तभी अचानक से यूरी गुआंग के मॉम के गर्दन पे काट देती है। तभी यून उसे दौड़ के रोक लेता है और यह देखने के बाद गुआंग के डैड एक बटन को क्लिक करते हैं, जिसके बाद वहां की सभी लाइटें बंद हो जाती है। तभी वहां पे कुछ गैंगस्टर्स आते हैं, जो कि गुआंग के मॉम और डैड को ले जाते हैं। अब इधर यून, जो कि यूरी को जैकेट से ढके हुए, तभी उसकी नजर वहां पर जून बैग पर पड़ती है। अब उसे देखने के बाद वो चिल्लाता भी है और उसका पीछा भी करता है, लेकिन तब तक जून बैग कार में बैठ के निकल चुका होता है। और इधर यून उस कार को पीछा करते करते दौड़ रहा है, जिसके बाद ये ड्रामा वहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर एक्सप्रेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।